लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में बिग मा हर एक बंदे को पता चल जाए कि माइकल जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था अब वो मर चुका है, अब कोई खतरा नहीं है। बाकी यहाँ ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि हम लोग अब पुलिस से सेफ है, बट एक तरीके से थोड़ी सी बुरी बात भी है कि अब माइकल अपने रियल फेस को लेकर कभी भी इधर उधर नहीं जा पाएगा। या तो मुझे थोड़ी बहुत लुक चेंज करनी पड़ेगी, या फिर हमेशा छुप के रहना पड़ेगा, या फिर हमेशा अपना फेस कवर करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। खैर ठीक है, इस सीन के बाद हम लोग काफी ज्यादा सेफ रहेंगे, ये ज्यादा बड़ी अच्छी बात है। ये कह रहा है जब तक सारा मामला शांत नहीं हो जाएगा तब तक वापस मत आना, क्योंकि सीधी सी बात है अगर अभी भी किसी बंदे ने हमें देख लिया तो ये सारी न्यूज फिर फेक न्यूज बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं दिखानी। माइकल की डेथ हमारे लिए फेक है पर दुनिया के लिए रियल होनी चाहिए। चलते हैं सीधा सीधा भी हम लोग चलते हैं बैनी के पास। वो अपने पुराने वाले घर के बाहर ही अपना वेट कर रहा है। लेट्स गो, सारी गाड़ियां आज लेकर आनी है अपनी लंबोगनी उरस। भाई कितनी सारी गाड़ियां इधर उधर भाई मैंने छोड़ी हुई है, एक ही बार में सारी गाड़ियां घर में ना आगे जितना भी एरिया है यहाँ पर हम लोग खड़ी कर देंगे। ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाले हैं सीधा अपने घर पे। और वो देखो सामने की तरफ में बैनी खड़ा हुआ अपना ट्रेलर लेके। लेट्स, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना अपनी गाड़ी अंदर ले जाके खड़ी कर देता हूँ और अंदर से ले आता हूँ रोल्स रॉयस फैंटम लिमोसिन को, क्योंकि यार अभी ना मेरे पास जितनी भी कार्स है ना मैं वो सारी की सारी उस नए वाले घर में ही लेकर जाने वाला हूँ। और ये जी वैगन फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें अपनी लैम्बोर्गिनी सियान, लैम्बोर्गिनी उरुस, लैम्बोर्गिनी टार्ज़ो और भी तीन चार कार्स इधर उधर खड़ी हैं वो सारी उठाकर लानी है। सबसे पहले तो यार इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी घर आ चुका हूँ, फटाफट से हम लोग इसको लेकर चलते हैं। और यार सच्ची में ये जो कार है ना कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है, किसी रेस में ऐसे भागती है मैं क्या बताऊं, बट कोई नहीं इसको एकदम आराम आराम से लोड हम लोग यहां पे करवा देते हैं। लेट्स गो। तो ओके गाइस अभी फिलहाल हम लोगों ने यहां पर दोनों गाड़ियां एकदम प्रॉपर्ली लोड करवा दिया है, फटाफट से हम लोग चल के ट्रेलर में बैठते हैं, मींस ट्रक में बैठते हैं और इस ट्रेलर को लेकर चलते हैं अपनी बाकी गाड़ियां लेने के लिए। और यार पीछे वाला जो रैंप है बंद हो गया ना, धीरे धीरे बंद हो रहा था और फाइनली वो बंद हो चुका है। आजा भाई बैनी जल्दी से बैठ जा, उधर मत बैठियो क्योंकि भाई आगे वाली भी सीट है। एक बार लमार बैठा था और मैंने तेज चलाई, हल्का सा ट्रेलर मुड़ते बेचारा गंदी तरह गिरा था, बट कोई नहीं भी फिलहाल इस मैं आज थोड़ा आराम आराम से चलाने वाला हूँ। सबसे पहले ना गाइस एक काम करते हैं, अपनी लंबोर्गिनी उरुस लेने के लिए चलते हैं। वो मैंने यार एक ना माउंटेन में एक डैम है वहां पर खड़ी करी थी, वो तब से वहीं की वहीं खड़ी हुई है भाई। मतलब यार मैं भूल गया इतनी महंगी इतनी बढ़िया गाड़ी को वहां पे खड़े करके। चलो कोई नहीं फिलहाल यार आज से अपनी ना सारी गाड़ियों का ध्यान एकदम प्रॉपरली रखेंगे, वैसे घर में ही रहेगी और मैं उसे ज्यादा बाहर लेकर नहीं निकलूंगा। बाहर ले जाने के लिए अब अपनी जी वैगन फिक्स हो गई है, कहीं भी जाना होगा उसी को ले जाएंगे। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली मैं अपने ट्रक को सीधा उस लोकेशन पर लेकर पहुंचने वाला हूँ जहां पर मैंने लास्ट टाइम अपनी लैम्बोर्गिनी और उसको खड़ा करके छोड़ दिया था। और यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो भाई ये जो माउंटेन है इतना ज्यादा डेंजरस है, बट फिर भी यहाँ पर मैं अपने ट्रक को इस ट्रेलर के साथ लेकर इस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। थोड़ा बहुत ना भी ध्यान से ड्राइव कर लेता हूँ, हल्की फुल्की गड़बड़ हुई ना सीधा नीचे जाके गिरूंगा भाई, वैसे काफी ज्यादा डेंजरस जगह है। ट्रक नीचे गया तो भाई किसी कीमत पे वापस नहीं आ पाएगा, वैसे फूट ही जाएगा ट्रक। और ये खड़ी सामने की तरफ में अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है और इतनी गंदी हो गई है ना मैं ये क्या बताऊं, मुझे पता भी नहीं है स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैकेनिक बगल में ही है स्टार्ट कर देगा ये। फटाफट से बैठ गाड़ी में देखते हैं इसको। ओपैस की आज भी इस गाड़ी का जो साउंड है भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पर फटाफट से इस गाड़ी को मैं पीछे, इसका पहले मेरे को रैंप, अरे यार रैंप नहीं दोनों गाड़ियां मुझे पहले बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी ऊपर वाला जो रैंप है वो नीचे डाउन होगा और हम लोग इसे ऊपर ले जाके खड़ा करेंगे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल बैनी ने फटाफट से दोनों गाड़ियों को बाहर निकाल के ऊपर वाला जो रैंप है उस पर लोड करवा दिया है। अभी फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस को हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे ही लोड करवाते हैं और इसके बाद गाइस हम लोग सीधा जाने वाले अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेने के लिए और लैम्बोर्गिनी टायर्स लेने के लिए। तीनों लैम्बोर्गिनी नीचे वाले फ्लोर पे आ जाएगी, बाकी दोनों गाड़ियां ऊपर है, अपनी एक गाड़ी और है पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है उत्तरी भाई लैम्बोर्गिनी उरुस का जो ऊपर वाला एरिया है मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कहीं तो ये भिड़ रहा है क्योंकि ऊपर से डेंट आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, वैसे भी इसको रिपेयर वॉश तो करवाना ही है, बैनी के पास ही भेज देंगे लगे हाथ। और आप लोग एक बार इस गाड़ी का इंटीरियर देखो कितना ज्यादा तगड़ा सा है, यहाँ पर सब कुछ एकदम ओके करके दिया था बैनी ने, बट कोई नहीं फिलहाल। तो ओके गाइस लेट्स गो ओल्ड एंड, फटाफट से हम लोग अपने ट्रक को लेकर निकल लेते हैं अब अपने के लिए, जो कि शायद से मैंने हेलीपैड पे खड़ी कर रखी है, मतलब कि जहाँ एयरपोर्ट है ना उसके थोड़ा आगे जाके एक हेली स्टेशन है वहीं पर मैंने उसे लास्ट टाइम छोड़ा था जहाँ तक मुझे याद है। बट अभी ना मुझे टेंशन इस चीज़ की हो रही है कि आखिर मैं अपने ट्रक को यहाँ से मोड़ूंगा कैसे, पर लास्ट टाइम मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को पार्क करा था, तो फटाफट से मुझे इस वाले कट से अपने ट्रक को अंदर लेकर चलना है, मीन्स राइट मोड़ना है।
आराम से राइट मोड़ते हैं। ये वाली जो लाइट है ये टूटनी ही चाहिए। ओके भाई, इतना ज्यादा लंबा ट्रक है ना, चलाने में हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर ये बैरियर खोलने वाला कोई होगा नहीं, मुझे मालूम था इसलिए मैंने सीधा तोड़ ही दिया। और अभी थोड़ा सा ना इससे बस मुझे राइट मोड़ना है। और ये खड़ी का है यहाँ पर, लेट्स गो फटाफट हम लोग बाहर निकलते हैं। और अभी ना मुझे दो बारी बार पे भी कॉल आ चुका है, मेरे हिसाब से अभी वो ना बैग लेके हमें अपने पास मंगवा रहा होगा और गाड़ी लॉक होगी। भाई ऐसे अनलॉक नहीं छोड़ता भाई मैं, तभी गाड़ी यहीं पर रहती है, वरना तो कब की चोरी हो जाए। और तू क्यों उतर के आ जाता है बात बात पे? फटाफट से इसे लोड कराते हैं और देखता हूँ यार बार पे को मतलब कहाँ पर देने के लिए जाना है वो वाला बैग। वो बैग तो मैंने घर पे रखा हुआ, वहीं से उठा भी लूंगा लगे हाथी। और ये ट्रेलर कौन खोलेगा बैनी? तो चलो गाइस अभी फिलहाल ये वाला जो रैंप है बैनी ने यहीं से बैठे बैठे अपनी की से खोल दिया है। फटाफट से गाइस हम लोग बरंदा पार्क करा देते हैं। मुझे लग रहा था नीचे वाले एरिया में तीन गाड़ियां आ जाएंगी, बट यहाँ पर तो दो ही गाड़ियों में इतना ज्यादा स्पेस भर गया है। वैसे अगर मैं उरुस को थोड़ा सा आगे कर दूं, मतलब एडजस्ट करके आ जाएगी तीन गाड़ियां, क्योंकि दोनों गाड़ियों की ना लेंथ बहुत ज्यादा है। सारी गाड़ियां रखवाते हैं और देखता हूँ क्या सीन है। तो गाइज यार ये शॉर्टकट के चक्कर में ना मैं पता नहीं कहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर आ गया हूँ। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग इसे यहाँ से नीचे उतारते हैं। हाँ तो यहीं से मुझे जाना है अंदर की तरफ में। और ये देखो भाई ये सारे लोग यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं। तो ये रेलवे ट्रैक है पूरा और शायद से उसकी शॉप के बाहर ही निकलने वाला। लेट्स गो, हम लोग यहाँ पे पहुंच भी गए। तो फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ से पहले तो आगे लेकर चलता हूँ। बैनी ओके 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 बैन पर खड़ा हुआ। सॉरी 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 भाई, इस गाड़ी का साउंड इतना तगड़ा, बंदे पहले ही डर जाते हैं। तो यार एक काम करते हैं ना, लगे हैं तो इस गाड़ी को भी लोड कराता हूँ, क्योंकि दो ट्रेलर में अपनी सारी गाड़ियां यहाँ ऑलरेडी लोड करवा दी है। तो सीधी सी बात है मुझे भी एक ट्रेलर ड्राइव करना पड़ेगा, एक ट्रक ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई ये वाली जो गाड़ी है मैं इसको इस वाले में ही लोड करवा देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी एसयूवी है, उसे काफी ज्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा। एक गाड़ी और यहाँ पर आ चुकी है, फटाफट इससे हम लोग बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लोड करवा के बाहर आ चुका हूँ। पर फोन से इस ट्रेलर का ये जो रैंप है पीछे वाला इसे बंद कर दिया है। तो यार अभी ना फटाफट से हम लोग ना दोनों ट्रेलर को लेकर निकल लेते हैं सीधा अपने रूम के लिए। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, मेरे को निकालने दे। और काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है यार, हम लोग ना यहाँ पे बहुत गलत ही लेकर आ गए हैं। नहीं यार मैं खाली पीली टेंशन ले रहा हूँ, आराम से निकल जाएगा। ट्रक पीछे से हल्का सा भिड़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब इतने छोटे मोटे स्पार्क ना ट्रक के लिए चलते हैं। फिलहाल अगर कोई आगे आ रहा है तो भाई पहले बता दो, वरना मैं अपने ट्रक को यहाँ से निकालू। लेट्स गो, कोई भी नहीं है। और अपना ट्रक जो है लेकर आ चुका है आराम से आराम से आराम से, पूरा एकदम मस्त तरीके से मैंने इसे मोड़ा है। और लेट्स गो गाइस, फाइनली अपना ट्रक यहाँ पर बाहर आ चुका है। हम लोग आ चुके हैं अपने शोरूम में। मुझे ना एक बार अंदर चलकर देखना पड़ेगा आखिर सीन हुआ क्या है। हम लोग एक काम करते हैं ना गाइस, वैसे सारी सुपर कार्स कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है ना ऊपर रखी हुई। तो हाँ गाइस अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग अपने ट्रक से बाहर निकलते हैं। मुझे बस देख कर आना है, बाकी जो सारी गाड़ियां हैं बैनी आराम से अपना अंदर लोड करवाता रहेगा। बाकी हाँ यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.4 मिलियन लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।